प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हिमाचल दौरे के लिए तारीफ की और 400 करोड़ CRF जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों में अनावश्यक मात्रा में रेत और पत्थर जमा हो गए, जिसके कारण नदियों के किनारे प्रदेश में ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इस पर केंद्रीय मंत्री भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इसको लेकर बीते दिनों उन्होंने एक बैठक भी की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की नदियों में खनन को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को 200 से 250 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू भी मिल सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के रूप में है। ऐसे में इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाकर काम करने की जरूरत है। देखो, हम तो ये बात को पहले से कह रहे हैं, क्योंकि हमको जो लीगल हर्डल्स है, कॉम्प्लिकेशन है, जो कानून है, विशेषकर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो सबसे बड़ा वादा है। हम सरकार हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, चाहे वो खाड़े नाले वो कहीं पर भी हम उठा नहीं सकते। अभी सैंज के जो सैंज क्षेत्र है, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो NHPC ने पानी छोड़ा, उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़े, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है, हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटपुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है, और 3-4 दिन जब वो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है उस वक्त, तो आप ये मान के चलो कि 30% ऑफ द रेनफॉल, जितनी पूरी मानसून सीजन में 30% रेनफॉल हुई है, ये कारण है। ये सर, रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, निश्चित रूप से जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्योंकि जो रिवर दरिया नाले खाले हैं उसके किनारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, घर बनाए, तो उन्होंने जो है रुकावट पैदा की। अब आप देखिए कि बहुत सारी नदियां हैं, चाहे यमुना है या रावी है, बहुत सारी नदियों को जिसके किनारों को छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसके नज़दीक लोगों ने घर नहीं बनाए, वहाँ नुकसान नहीं हुआ है। और जिन नदियों में विशेष करके जैसे ब्यास है, ब्यास नदी के किनारे जो कुल्लू मनाली और मंडी के स्ट्रेच में उसको छेड़ा गया है, लोग जो है वो नदी के जो अंदर घुसने की कोशिश किए, जब नदियों में कभी ना कभी 10-15 साल बाद जो है वो भारी बारिश और बाढ़ आएगी, तो वो तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं उसके 100 मीटर्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करने जा रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से कैबिनेट जो है इसमें भी आने वाले समय में फैसला लेगी, ताकि नदियों के किनारे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, खेत है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, ये ना हों। कौन कौन अभी तो देखो, अभी तो सिर्फ गडकरी जी ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा है कि वो IIT मंडी और IIT रुड़की के लोगों को भेजेंगे, और साथ में हमारी जो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम्स है वो आकर के सर्वे करेगी उस हिसाब से, जैसे भी जो, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल लोगों को हमको इन्वॉल्व करने का होगा, और किस तरह से नदी में से हम ये जो है रेत बजरी को निकालेंगे, और बीच से तो निकालेंगे। अब अगर हम बीच में अगर वो लेवल डाउन होता, नदियों का लेवल डाउन होता, तो साइडों में मार नहीं पड़ती। अब सारी की सारी नदी जो है वो भर चुकी है, वो पिछले अगर हम 10-10 साल में अगर लगाएं, तो कम से कम वो 10 से 15 मीटर जो है लेवल, नदियों का लेवल जो है वो ऊपर उठ चुका है। और वो जब नदियों का लेवल उठा है, तो वो पानी की मार भी जो है साइडों में जो लोग रह रहे हैं उनपे पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हमको जो नदी नाले हैं इसमें से रेत बजरी और पत्थर को निकालना होगा। जैसे गडकरी जी ने कहा कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेंगे और इतने स्ट्रॉन्ग रिवर बेड्स के किनारों को बनाएंगे, ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बाढ़ भी आएगी उसको डैमेज नहीं करेंगे। और ये जो पत्थर है नदियों में, जो बोल्डर्स और पत्थर है, हम उसको इस्तेमाल नेशनल हाईवे को दे करके भी कर सकते हैं। माननीय गडकरी जी जो है हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ
बरसात में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र का, गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किया है और उन्होंने अपनी आंखों से जो नुकसान हुआ है उसको खुद देखा है और उन्होंने माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक नुकसान जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है और वो सारे एरिए में हुआ है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है वो दिल खोल करके हिमाचल प्रदेश की जो है मदद करेंगे और उन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है वो CRF में भी जो है वो देने के लिए घोषणा की है। हम धन्यवाद करते हैं गडकरी जी का कि इस संकट की घड़ी में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गडकरी जी ने जो है वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जायज़ा भी लिया है, आश्वासन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी है और उन्होंने कुछ सुझाव भी जो हैं वो दिए हैं। जैसे कि गडकरी जी की मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी है और उन्होंने माना है कि जो रिवर नदियों के किनारे जो शहरों को, गांवों को, सड़कों को और स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है वो रिवर बेड में जो है नदियों में जो ओवर डिपोजिशन है कि नदियों में जो रेत है, बजरी है, पत्थर है उसका बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना जो है वो भी एक कारण है। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि IIT मंडी और IIT रुड़की की टीम और हमारे जो जियोलॉजिकल विभाग की टीम है वो उसको सर्वे करके और उसको किस तरह से निकाल करके निकाला जाए। और उन्होंने कहा है कि इसकी जो है कम से कम 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर को नदी के जो लेवल है उसको डाउन करने की ज़रूरत है और जो ब्यास की नदी है उसको स्ट्रेटन करने की जरूरत है। वो स्ट्रेट उससे जो है उसमें जो जब पानी भारी तादाद में आएगा तो किनारों पे जो है उसकी मार कम पड़ेगी। मैं आपको खुद ये आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो नदी नाले हैं उसमें लगभग 7.5 करोड़ टन 7.5 करोड़ टन हर साल पत्थर, मिट्टी, रेत आता है और हम जो उन नदियों में से लगभग कोई 69 लाख टन जो है वो पत्थरों को निकालते हैं, रेत बजरी 69 लाख टन निकालते हैं, वो नॉट इवन 10% ऑफ इट है। और मान लो कि इलीगल माइनिंगों की वजह से भी नाले, खालों में, दरियाओं के किनारे जो है वो 5-7% जो है वो इलीगल माइनिंग भी होती है, तो जो नदियों में से जो हमारा निकास हो रहा है वो नॉट इवन 15% हो रहा है। और आप ये मान के चलो कि लगभग कोई 6.5 लाख टन 6.5 करोड़ टन वो जो है वो नदियों में डिपोजिशन हो रहा है और उसकी वजह से नदियाँ जो है उसका लेवल उठ गया है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत सारे ब्रिजेस का जो लेवल है उनके जो पिलर हैं वो रेत और बजरी और पत्थरों की वजह से भर चुके हैं और वो एक उस लेवल के ऊपर लेवल पे आ गए। उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की है कि उसको रिवर बेड से जो है रेत बजरी को निकाला जाए, मगर हमारी दिक्कत ये है कि हम क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी लैंड है चाहे वो नदियों के किनारे हैं चाहे गवर्नमेंट लैंड जितनी भी सरकारी लैंड है उस पर FCA लगता है और फॉरेंस क्लियरेंस के बिना जो है हम जो है वहाँ से एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। अब हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले माइनिंग डिपार्टमेंट ने पिछले 6-7 सालों में कोई लगभग 232 जो नदियों के किनारे एरियाज हैं जहाँ पे ये डिपोजिशन है उनकी ऑक्शन की है, चाहे वो ब्यास है, चाहे यमुना है, चाहे हमारी सतलुज है, चाहे हमारी रावी है, हमने ऑक्शन कोई 232 क्षेत्रों को किया और लगभग हमने 103 करोड़ रुपए की ऑक्शंस की है जिसमें से केवल अभी तक 232 में से 28 जो सरकारी ऑक्शन हुई है नदियों के किनारे वो हमने शम शुरू कर पाए हैं। 204 जो हैं वो ऑक्शन आज तक FCA की क्लियरेंसेस की वजह से रुके हुए हैं और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को भी, जो जिन्होंने ऑक्शन लिए है उन्होंने अपने केसेस प्रोसेस करके उनको भेजे हैं मगर 5-5, 6-6 साल तक वो क्लियरेंस नहीं मिली है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्योंकि रिवर बेड का जो लेवल है वो उठ करके और जब वो पानी आएगा तो वो किनारों में मार मार करके लोगों के घर है, खेत है और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ है, ये भी कारण है। और गडकरी जी ने इस बात को माना है और हम गंभीरता से लेकर के अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म करके और IIT मंडी और IIT कुल्लू, IIT ये खड़गपुर
उनके साथ टेक्निकल, उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, डिपोजिशन को क्लियर कर सकते हैं। हम एक और ऑप्शन कर रहे हैं कि क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम डिप्टी कमिश्नर से भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर त्रासदी आई, फिर बारिश आई और फिर बाया, तो वो जो है डिपोजिशन है वो फिर बारिश के पानी के साथ वो कट्ठे मार मारेगी, लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तो ये कुछ पहलू हैं जो हमारे सामने आए हैं और हम इस पे जो है वो गंभीरता से जो विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। अगर हम इन एरियाज़ को ऑक्शन कर देंगे, हम ऑक्शन करेंगे, तो आप ये मान के चलो कि जो रिवर बेड की डिपोजिशन है वो कम से कम हमको कोई 200 से 250 करोड़ रुपए का और रेवेन्यू जो है वो आएगा।